धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 फाइनल अकाउंट। इसकी वीडियो ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक यूट्यूब पर अपलोडेड है, जिसका लाभ आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आसानी से उठा सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को देखने के बाद शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ये जरूर कीजिए, लाइक तो आप करिएगा ही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायमंड प्राइवेट लिमिटेड का 31 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित तलपट था। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है, जिसमें कि यहाँ हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में इन्हीं वर्ड्स को बोलूँगा और आप ध्यान से समझते चलेंगे। ये कॉल सिनेरियर है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बैंक और कैश यहाँ लिखा हुआ है, स्टॉक, परचेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रोडक्टिव वेजेस, कोल गैस एंड वाटर, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सैलरीज, इंटरिम डिविडेंड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेज, फ्रेट एंड कैरिज। यहाँ पर शेयर कैपिटल है, जिसमें 6% डिबेंचर्स भी है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स और सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स पेबल, रेंट रिसीव्ड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर अथोराइज कैपिटल जो कंपनी का है वो 10,000 शेयर्स में 1,00,000 रुपये का है, जो कि 10 रुपये वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पर 4%, फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन काटने के लिए कहा गया है। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेज का 1/3 को समाप्त करने के लिए कहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% आयोजन करने के लिए कहा गया है। जनरल रिजर्व में 5,000 ट्रांसफर करना है और क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2015 को 29,650 रुपये का दिया गया है। सवाल को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डायमंड प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रकार से बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेट हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारा अमाउंट आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि ये रकम कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है। सबसे पहले डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमारा मतलब सेल से होता है, सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, जो कि आप यहां देख रहे हैं विक्रय यानी सेल्स, यहां पर सेल है और यहां पर ठीक आपके यहां पर देखेंगे तो ये विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न है 4,280 रुपये का। हमने सेल में से सेल्स रिटर्न को घटा के यहाँ पर टोटल सेल लिख दिया है 1,06,885 रुपये। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता वो आता अदर इनकम। अदर इनकम हमारा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा, जहाँ पर रेंट रिसीव्ड शब्द लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अदर इनकम और रेंट रिसीव्ड ब्रैकेट में लिख दिया है, क्योंकि एक ही रकम है, इसका नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी वर्किंग बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अमाउंट है 570 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये टोटल रिवेन्यू है, यानी इन दोनों को जोड़ करके 1,07,455 रुपये आता है, जिसमें हमने बताया है फर्स्ट और सेकेंड को हमने जोड़ा है, फर्स्ट यानी इसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को और अदर इनकम को दोनों को जोड़ दिया तो 1,07,455 रुपये प्राप्त हो गया। इसके बाद फॉर्मेट के मुताबिक एक्सपेंसेज का नंबर आता है। एक्सपेंसेज में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसकी वर्किंग नोट्स टू अकाउंट के द्वारा समझेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये नोट्स टू अकाउंट है, जिसका मतलब वर्किंग नोट होता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, आप देखेंगे तो 17,500 है।
और इसी में जिसे हम परचेज बोलते हैं क्रय, वो भी इसके नीचे लिखा है। दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है इसको घटा देंगे। ओपनिंग स्टॉक परचेज को जोड़ करके ये रकम प्राप्त हुई 91,700। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद 62,050 रुपये आता है। इसी को ही हम मटेरियल कंज्यूम्ड कहेंगे और यही रकम हमने यहाँ पर लिखा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 62,050। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये हमारी वर्किंग नंबर यानी नोट्स टू अकाउंट का नंबर 1 था, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया यानी फर्स्ट डाल दिया, यानी ये नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, इसी को हमने डाला। अब सेकेंड नंबर पे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो कर्मचारियों से संबंधित खर्चे होते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है। इससे रिलेटेड खर्चा टोटल 51,050 है, 21,050 है। ये कहाँ से आया इसको ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्टिव वेजेज और सैलरीज इन दोनों रकमों को जोड़ करके 21,050 आएगा। अब इन दोनों को देखेंगे कहाँ मौजूद है। सवाल में अगर ध्यान देंगे तो प्रोडक्टिव वेजेज जिसे उत्पादन मजदूरी बोलते हैं, यहाँ पर ये मजदूरों से कर्मचारियों से संबंधित है। दूसरा इसमें सैलरी जो कि यहाँ लिखा है 1,550 रुपये, इन दोनों को ही जोड़ करके हमारा 21,050 आया था और इसका वर्किंग नोट नंबर है 2। इसी को ही हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 डाल के 21,050 लिख दिया है। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट से हमारा मतलब होता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है उसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। इसमें हमने ये जो डिवेंचर है, डिवेंचर 6% का है, 25,000 का 6% यदि काटेंगे तो 25,000 × 6/100 1,500 रुपये होता है, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मात्र 800 रुपये लिखा है। इसकी हमने वर्किंग नोट नंबर फाइनेंस कॉस्ट के नाम से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 800 रुपये और इसका आउटस्टैंडिंग 700 रुपये जोड़ के पूरे 1,500 रुपये कर देंगे। इसी 1,500 रुपये को ही हमने यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट के सामने वर्किंग नोट नंबर 3 डाल के 1,500 रुपये पूरा लिख दिया है। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। वर्किंग नोट नंबर 4 में है ये 1,433 रुपये। कहाँ से आया चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, जिसमें वर्किंग नोट नंबर ये 4 है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का 2% हमने लिया है। यहाँ बोला है लैंड एंड बिल्डिंग का 2% काटिए, तो भूमि और भवन का 2%। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि भवन 21,350 का है, इसका 2% काटेंगे तो 427 रुपये आएगा। प्लांट और मशीन पे 4% बोला है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीन पे 4%, यंत्र व कल इसे प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे और इसकी रकम है 12,650 रुपये, इसका 4% 506 रुपये। फर्नीचर का यहाँ पे 10% है, ये वैल्यू दिया है फर्नीचर का और ये रेट है फर्नीचर के डेप्रिसिएशन का और फर्नीचर की वैल्यू यहाँ है 1,000 रुपये, तो 1,000 का 10% 100 रुपये आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को 1/3 रिटर्न ऑफ करने को कहा गया है। यहाँ पर है प्रारंभिक व्यय के 1/3 भाग को समाप्त कीजिए, तो प्रारंभिक व्यय हमारे पास 1,200 का है, इसका 1/3 काटेंगे तो 400 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमारा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज का टोटल है 1,433 रुपये होता है। इसी को ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। वर्किंग नोट नंबर 4 है 1,433 रुपये। इसके बाद लास्ट हेडिंग है अदर एक्सपेंसेज। यदि अदर एक्सपेंसेज की बात करें तो जितने खर्चे अब बचते हैं उन सबको अदर एक्सपेंसेज में डाल देंगे। अदर एक्सपेंसेज यहाँ लिखा है, अगर हम ध्यान देंगे तो अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है। डायरेक्टर फीस 1 नंबर यहाँ पे है, कोयला और गैस पानी 2 पॉइंट है जो खर्चा भी बचा हुआ है, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स, और इस तरफ लिखा है डिस्काउंट एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेज, फ्रेट एंड कैरिज। इस प्रकार से इन सभी खर्चों को हम यहाँ लिखेंगे। कोल गैस एंड वाटर, डायरेक्टर फीस, बैड डेब्ट्स 400 का है, इसमें देनदारों पर 5% प्रोविजन कटवाया गया है। देनदार ये हैं 24,600, इनका 5% काटेंगे 24,600 × 5/100 = 1,200, तो 1,230 रुपये आएगा। टोटल
टोटल 1630 रुपये आएगा। अब इसमें से पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ लिखा है 985 रुपये का, इसको माइनस कर देंगे तो 645 रुपये आएगा। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस यानी व्यापारिक व्यय 1800 रुपये का है, डिस्काउंट 730 रुपये का है यहाँ पर, और इसके बाद फ्रेट एंड कैरिज 2900 रुपये का है, भाड़ा व ढुलाई। इसके बाद इन सभी खर्चों को हम टोटल कर देंगे तो इनका टोटल 9075 रुपये आता है, यानी अदर एक्सपेंसेस की जो वर्किंग है वह 9075 रुपये को हम यहाँ पर लिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस वर्किंग नोट नंबर 5 और 9075 रुपये। इसके बाद हम 107455 में से इन तमाम खर्चों को घटा देंगे। इनको घटाने के बाद यानी कि हमने क्या किया, हमने थर्ड टोटल रेवेन्यू में से 4 नंबर को यानी एक्सपेंसेस को घटा दिया, यानी 107455 में से 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 हेडिंग के आइटम्स को घटाने के बाद 12347 रुपये प्राप्त हो गया है। यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, थर्ड में से 4 को घटाने के बाद 12347 रुपये प्राप्त हुआ। जब हम इसका आंसर मिलाएंगे, क्योंकि अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलाने का कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 12347 रुपये ही मैच करेगा। इसके बाद अब हमारा नंबर आता है बैलेंस शीट को बनाने का। बैलेंस शीट को जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहला जो नंबर होता है बैलेंस शीट बनाने के लिए वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डायमंड प्राइवेट लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 का 2015, नोट नंबर रुपीज पार्टिकुलर्स, इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम ऐसा नहीं लिखते थे, लेकिन नए शेड्यूल के मुताबिक अब ऐसा ही लिखेंगे। ये बैलेंस शीट दो भागों में बट जाती है, पहला भाग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यानी लाइबिलिटीज साइड का, दूसरा एसेट साइड का। रकम तो थोड़ी सी लिखी हुई है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वह काफ़ी लंबी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी होती है। इसको हम कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से इसको समझेंगे, इसको भी आप ध्यान से देखिए, और किस प्रकार से इसका वर्किंग एक एक करके हम सॉल्व करेंगे यह भी आप समझिए, और इसको सॉल्व करने के बारे में भी सोचिए। तो चलिए इसको भी समझते हैं और कैसे समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये मुख्य हेडिंग है। इसमें पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहला शेयर कैपिटल के बारे में लिखा है, लेकिन ये इसकी जो शेयर कैपिटल की मुख्य हेडिंग है वो शेयर होल्डर्स फंड्स है। शेयर होल्डर्स फंड्स यानी सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल 48,000 यानी 48,770 हमने लिखा है। परंतु यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रकम आई कहाँ से है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल आप यहाँ देखेंगे तो 5,000 शेयर्स 10 रुपये वाले 50,000 रुपये लिखा है, लेकिन यहाँ 1230 रुपये का कॉल्स इन एरियर भी हो गया है। तो जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो ये वर्किंग नोट नंबर 6 है, इसमें हमने लिखा है सबसे पहले शेयर कैपिटल 5,000 शेयर 10 रुपये वाले 50,000 रुपये के, इसमें से हमने कॉल्स इन एरियर घटा दिया 1230 रुपये, अब ये 48,770 रुपये का हो गया। इसी को ही हमने यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल के नाम से लिख दिया है, और ये वर्किंग नोट नंबर 6 है, ये रहा 6 नंबर, और यही 6 नंबर हमने यहाँ पर नोट वर्किंग नोट नंबर यानी नोट्स नंबर में डाल दिया है। इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये रकम कहाँ से आई है, इसके लिए भी आपको ध्यान से समझना होगा। इसके लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये रकम कहाँ से आई है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ध्यान से देखेंगे। पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है 2600 रुपये, इस साल का जो प्रॉफिट है वो हमने 12347 शुद्ध लाभ हमने दिखाई दिया कैसे आया था। अब ये जो रकम हमारे पास है, दो साल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2600, करंट ईयर का प्रॉफिट 12347 रुपये, इस प्रॉफिट में से दो प्रकार की रकम घटाई जाएगी। पहला इंटरिम डिविडेंड 2500 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा ये 5000 रुपये जो सामान्य संचिति में ट्रांसफ़र हुए हैं जनरल रिजर्व में, ये दोनों रकमें माइनस करेंगे 7447 रुपये। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का आंसर है।
इस आंसर को आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते का शेष यह है 7,447 रुपये, ये वही रकम है। अब इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व जो रकम है जनरल रिजर्व की, आप देखेंगे सामान्य संचय में पहले से यहाँ कोई रकम नहीं लिखी गई है, जो भी है सिर्फ समायोजनाओं में 5,000 रुपये की है। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व जो कि ट्रांसफ़र करके आया है 5,000 रुपये, और ये जो अप्रोप्रिएशन आप प्रॉफिट की रकम है 7,447, इसको भी हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस के नाम से लिखेंगे 7,447। टोटल 12,447 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग और ये वर्किंग नोट नंबर 9 में डाल दिया जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट पर आप पूरी नज़र गड़ा के रखिए और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यह भी आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना होगा। इसको हमने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से वर्किंग नोट नंबर 9 लिख दिया और 12,447 रुपये लिख दिया है। अब ये रकम लिखने के बाद अगला पॉइंट है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है। अब ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग वर्किंग नोट नंबर 10 में हमने दिखाया है। अब चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्या है। ये लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें 6% डिवेंचर्स है 25,000 रुपये का। इसमें बैंक लोन वगैरह भी आता है, लेकिन इसमें सवाल में बैंक लोन तो है नहीं, यही डिवेंचर दिया हुआ है 6% का यहाँ पर 25,000 रुपये का। इसकी जो मुख्य हेडिंग है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और इसको हम यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से लिखेंगे। 10वें नंबर नोट्स टू अकाउंट का है ये 25,000 रुपये। इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में दो ही रकम है, ट्रेड पेएबल है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। करंट लाइबिलिटीज यहाँ से देखा जा सकता है, ये है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, इन दोनों रकमों को ही हमने यहाँ पर टोटल किया हुआ है और इसकी भी वर्किंग बाकायदे दिखाई गई है। ट्रेड पेएबल यहाँ पर है वर्किंग नोट नंबर 7, इसमें क्रेडिटर्स है 10,875 के, बिल्स पेएबल है 4,260 का। इसको यहाँ देख सकते हैं दोनों रकम 10,875 और बिल्स पेबल का 4,260 रुपये, दोनों जोड़ करके 15,135 रुपये आया है। इसी को ही हमने यहाँ पर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर ये 7 है और करंट लाइबिलिटीज़ का पहला आइटम। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ से आया इसको हमने पहले ही आपको बताया हुआ है। 1500 जो हमने ब्याज काटा था 25,000 का 6% यदि काटेंगे 1500 रुपये ब्याज होता है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 800 रुपये का लिखा है, तो हमें इसे 1500 बनाना है तो 700 रुपये का आउटस्टैंडिंग होगा, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वहां पर आपको दिखाया था, तो ये रकम वहाँ से आएगी और इसके बारे में वर्किंग बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसके बारे में आपको वर्किंग करके बता दिया है। ये फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग थी जिसमें हमने थर्ड नंबर में बताया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 800 रुपये, इसमें हमने 700 रुपये आउटस्टैंडिंग के जोड़ के 1500 बनाया था, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारी लाइबिलिटीज है। इसी को ही हमने यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 700 लिखा है। अब इसको टोटल यदि करेंगे तो आप देखेंगे 1,02,052 रुपये का टोटल बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज साइड आ चुका है। इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 का लाइबिलिटीज साइड हो चुका है। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स का सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, इसमें फिक्स एसेट्स आता है। अब ये फिक्स एसेट्स बहुत सारा लिखा है, फिक्स एसेट्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब का जो टोटल है वो 33,967 रुपये आएगा। अब ये आएगा कहाँ से इसको ध्यान से आपको देखना है। हमने इसकी वर्किंग नंबर 11 लिया है, फिक्स एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग जो कि हमारे बुक में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो रकम है
वो है लैंड एंड बिल्डिंग, 2% डेप्रिसिएशन काटा गया है और इसकी रकम जो है यहाँ पर देखेंगे जब हमने दिखाया था तो 21,350 दिया है, इसका 2% काटेंगे 427 रुपये, तो 20,923 रुपये आएगा। प्लांट और मशीनरी जो कि यहाँ पर 12,650 है, उसका डेप्रिसिएशन 506 रुपये काटेंगे तो 12,144 आएगा। फर्नीचर जो कि 1,000 रुपये का यहाँ लिखा है, उसका 100 रुपया डेप्रिसिएशन 10% से काट देंगे तो ये 900 रुपये बचेगा। इन तीनों का टोटल 33,967 रुपये हो जाता है। इसी को ही हमने बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखा है, 33,967 रुपये, वर्किंग नोट नंबर 11। इसके बाद आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग लिखा है 8,800 का, इसको कोई वर्किंग नहीं है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसके बाद करेंट एसेट्स में आएंगे, करेंट एसेट्स में डेटर्स, जो डेटर्स की रकम है वो है 24,600 रुपये, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। 24,600 में 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कटवाया गया है। इस रकम को घटाने के बाद अगर हम 5% काटते हैं 24,600 का, 1,230 रुपये आएगा, इसे घटाने के बाद 23,370 रुपये प्राप्त होंगे। इसके बाद यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है जो कि यहाँ से आसानी से देखी जा सकती है। इसके बाद कैश एंड बैंक, कैश को आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 570 रुपये, बैंक भी यही है 4,890 रुपये, इन दोनों रकमों को भी यहीं पर रखेंगे, लिखेंगे 575 रुपये और 4,890 रुपये। ये जो कैश की रकम है ये 575 है, बैंक 4,890 है। इसमें एक वर्ड हमने लिखा है यहाँ पर, एक आइटम और है अदर एसेट्स के नाम से। आखिर ये अदर एसेट्स है क्या, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर अदर एसेट्स में आता क्या है। तो अदर एसेट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी वर्किंग नोट नंबर हमने 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वर्किंग नोट नंबर 12 में दिखाया गया है। और वर्किंग नोट नंबर 12 में है क्या, ये है प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेज 1,200 रुपये का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रारंभिक व्यय के नाम से। इसमें 1/3 भाग इन्होंने कटवा दिया तो हमने राइट ऑफ कर दिया है, यानी रिटर्न ऑफ हुआ है 400 रुपये, इसका 1/3 पार्ट, यानी यहाँ पर 1/3 लिख देंगे 400 रुपये, तो अब 800 रुपये ही बचा है। यही अदर एसेट्स के नाम से हमने बैलेंस शीट के यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वर्किंग नोट नंबर 12 में हमने दिखाया है, इसीलिए हमने इसको 800 रुपये वर्किंग नोट नंबर 12 में 12 में दिखा दिया। अब इसका टोटल कर लेंगे एसेट साइड का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम का 10, 20, 52 यानी 1,02,052 रुपये का होता है। और हमारी लाइबिलिटी साइड भी 1,02,052 रुपये होता है। इस प्रकार से एसेट साइड का ये पूरा का पूरा जो आपके सामने मौजूद है ये आइटम कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है और इसके एक एक पॉइंट को हमने आपको बाकायदे समझा दिया है और ये किस प्रकार से हुआ है आपने यह भी देख लिया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा इस प्रकार से ये तैयार किया गया है यहाँ पर। अब ये पूरी तरह से रेडी है, यहाँ से स्टार्ट है ये और इसका एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से ये एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों आपके सामने मौजूद है। ये लायबिलिटीज साइड थी और ये इसका एसेट साइड है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को यहाँ से रोक करके आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट तो बिल्कुल आप भूलिएगा मत। मैं देख रहा हूँ व्यूज उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, कमेंट में बच्चे कहते हैं बहुत अच्छी वीडियो है लेकिन उस हिसाब से व्यूज अगर मैं देखता हूँ तो बहुत कम आता है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चे या तो इसके बारे में डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके तुरंत देखना शुरू करते हैं। कमेंट भी कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट आता है तो। यदि कोई कमेंट नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं है। मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ लेकिन आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से वीडियो पॉपुलर होनी चाहिए। यूपी बोर्ड में लाखों बच्चे हैं,
लेकिन ये रीच जो है लाखों बच्चों की पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा लगता है कॉमर्स के बच्चे है ही नहीं। कॉमर्स के बच्चे सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। हाँ ये सही बात है, कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में कॉमर्स नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, इसको प्रचार कर दीजिए। इसका प्रचार इस तरह करिए कि हर बच्चे में यह फैल जाए। इसी तरह से बने रहिए और लेते रहिए वीडियो का आनंद, और अपने कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए, और अपने विचार में जो भी बातें आपके मन मस्तिष्क में आती हैं अपने कमेंट में अवश्य बताइए। जो भी सुधार बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। फिर लेते हैं पूर्ण विराम और लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।